व्हाइट और लकड़ी की परी। एक बार हेला नाम की एक दुष्ट रानी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रह रही थी। हेला हमेशा दुनिया में सबसे सुंदर दिखना चाहती थी, जबकि स्नो व्हाइट, जो देश के सबसे सुंदर महल में रहती थी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। डंक ऑफ, तुम क्या खा रहे हो? मेरी रानी, मैं बहुत सारी सॉस के साथ ये स्टेक खा रहा था, आप चखना पसंद करेंगी? नहीं, मैं अपना खाना बहुत सोच समझ कर खाती हूँ। लेकिन ये दुनिया में सबसे अच्छा स्टेक है मेरी रानी। डंको, जाओ और अपना स्टेक खाओ, मुझे मेरी इस नन्ही परी के साथ अकेला छोड़ दो। डंको गुफा के कोने में गया और मजे से अपना स्टेक खाता रहा। नन्ही परी, यदि तुम आज रात आकाश में नहीं उड़ सकी तो क्या होगा? नन्ही परी डर के मारे पिंजरे में अपने पंख ऊपर नीचे फड़फड़ा रही थी। पूनम के चांद की रोशनी सब जगह फैलती है ना? तो क्या होगा अगर रात में आसमान में रोशनी ही ना हो? तो सिर्फ अंधेरा। हेला अपनी गुफा में नन्ही परी को कैद करने और पूनम के चांद की रोशनी छुपाने की योजना बना रही थी, ताकि वो अपनी विश्वासघाती योजनाओं को बिना दिखे अंजाम दे सके। इस बीच स्नो व्हाइट के सबसे अच्छे दोस्त सात बौने खदान से बाहर आ रहे थे, जहां वे पूरा दिन काम करते थे और महल की ओर जंगल से होते हुए जा रहे थे। जब हम महल लौटते थे तो क्या इतना अंधेरा हो जाता था? इसका मतलब हमारे सोने का समय हो गया है। आकाश में इतना अंधेरा था कि बौने एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, और एस बौने को एहसास हुआ कि उसे आकाश में अब चंद्रमा और सितारे नहीं दिख रहे। कुछ तो गड़बड़ है, पूर्णिमा की रोशनी जा चुकी है, इसी वजह से आकाश में इतना अंधेरा है लड़को। लेकिन पूनम के चांद की रोशनी क्यों चली गई? कोई तो एक परी मुसीबत में होगी, ऐसा होने पर ही पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी खो देता है। हमें तुरंत महल में वापस जाने की आवश्यकता है, चलो। बोनों ने महल की राह देखने के लिए अपने लालटेन की लाइट का सहारा लिया। इधर स्नो व्हाइट और प्रिंस एंटन महल की बालकनी से बाहर देख रहे थे। आज की रात दूसरों की तुलना में बहुत अंधेरी है, और सात बौने अभी तक वापस नहीं आए, अगर वो अंधेरे में अपना रास्ता भटक गए तो? अचानक राजकुमार एंटोन ने पेड़ों के पीछे फ्लैश लाइट देखी। इन लाइट्स को देखिए मेरी राजकुमारी, क्या ये सात बौने हो सकते हैं? हाँ, ये वही होने चाहिए। स्नो व्हाइट महल के बाहर बौनों से मिलने गई। सात बौनों, रात बहुत अंधेरी है, तुम्हें रास्ता कैसे मिला? हम खदानी बौने हैं मेरी राजकुमारी। हम भूमि के भीतर काम करते हैं, हमारी फ्लैशलाइट हमें रास्ता दिखाती है। लेकिन हमारे पास एक बुरी खबर है स्नो व्हाइट। पूर्णिमा के चांद को रोशनी देने वाली परी खतरे में होगी, क्योंकि कोई भी रात कभी इतनी अंधेरी नहीं रही। जिस परी ने मेरी जंगल में मदद की थी, कहीं ये वही परी ना हो, उसे हमारी मदद की जरूरत होगी। स्नो व्हाइट महल के सबसे पुराने और सबसे अंधेरे कमरे की ओर दौड़ी, जहां उन्होंने शैतान हेला का जादुई दर्पण रखा था,
जो हमेशा सच बताता था। आईने आईने दीवार पर लगे आईने, मुझे दिखाओ लकड़ी की परी को क्या हुआ। जादुई आईने ने उसे दिखाया कि परी एक पिंजरे में बंद थी। मुझे ये जगह पता है, ये पिंजरे की सलाखी, हीला की गुफा। स्नो वाइट अपने घोड़े पर चढ़ गई और खुद की जान की परवाह किए बिना बड़ी हिम्मत के साथ परी को बचाने निकल पड़ी। चलो स्नो वाइट, तुम ये कर सकती हो, अंधेरे से डरो मत। चलो मेरे प्रेगो। हालांकि प्रेगो ने स्नो वाइट का कहना नहीं माना। क्या हुआ प्रेगो, क्या तुम डर रहे हो? प्रेगो बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि सिली बौना उसके सामने खड़ा था। सिली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहता था मेरी राजकुमारी। देखिए, मैं आपके लिए रोशनी भी लाया हूँ। स्नो वाइट ने सिली बौने को अपने साथ लिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो तुम बहुत बहादुर हो स्नो वाइट, अब तुम देखना। हेला ने ग्लास ग्लोब को जादुई मंत्र कहना शुरू कर दिया। इस बीच घोड़े पर सवार सिली बौना और स्नो वाइट को अजीब शोर सुनाई देने लगा। वो शोर कैसे था मेरी राजकुमारी? वो शोर जो उन्होंने सुना एक आईवी की जड़ से आ रहा था, जो हेला के जादू के वश में थी, और इन जड़ों ने बहुत सारी आईवी शाखाओं के साथ सिली बौने और राजकुमारी को लपेटना शुरू कर दिया। लेकिन प्रेगो जल्दी से पीछे हट गया और ऐन वक्त पर वे उनसे बच गए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल बचाओ, नहीं, बचाओ, 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 ये आईवी की शाखाएं। प्रेगो ने अपनी तीखी आंखों से आईवी शाखाओं की जड़ों को निशाना बनाया। अपने घोड़े की नाल को जमीन पर एक दो बार रगड़ने के बाद वो उस जड़ की ओर सर पर दौड़ने लगा। आखिरकार उसने जादुई आईवी की जड़ पर कदम रखा। इस प्रकार आईवी की जड़ें, जो अब जादू से अलग हो गई थी, उन्होंने तुरंत अपनी शाखाओं को खींच लिया। स्नो वाइट और सिली बौने ने अपने आसपास की शाखाओं से छुटकारा पा लिया। धन्यवाद प्रेगो, तुम कमाल के हो। चलो सिली बौने, हम चलकर नन्ही परी को बचाएं। हेला डंकोव के साथ काले दर्पण के सामने खड़ी थी। स्नो वाइट को उस आईवी से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता डंकोव। कल मैं फिर से दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बन जाऊंगी। हाँ मेरी रानी, आपकी जादुई लताओं ने उसे पहले ही नष्ट कर दिया होगा। जब वे बातें कर ही रहे थे कि तभी स्नो वाइट और सिली बौना हेला की गुफा में पहुंच गए। वे बिना कोई आवाज के गुपचुप तरीके से गुफा में घुस गए और एक कोने में एक पिंजरे को देखा। सिली, यहीं रुको, कोई आवाज मत करना। नन्हे कदमों के साथ स्नो वाइट हिला और डंकोव के देखने से पहले पिंजरे तक पहुंची और उसके कपड़े को उठाकर उसे खोल दिया। नन्ही परी पिंजरे से बाहर आई और चुपचाप उड़कर स्नो वाइट के कंधे पर बैठ गई। राजकुमारी धीरे धीरे वापस सिली बौने की तरफ जाने लगी। लेकिन जब वे दोनों एक साथ गुफा से बाहर निकल रहे थे, तभी सिली बौने का पैर एक पत्थर में फंस गया और वो गिर गया और अंदर की चुप्पी टूट गई। ये शोर कैसा था? कैसा शोर मेरी रानी? उन्होंने हमें देख लिया। भागो सिली, भागो। हेला ने स्नो वाइट और सिली बौने को गुफा से बाहर निकलते हुए देख लिया था। स्नो वाइट, तुम उस आईवी से कैसे छुटकारा पा सकती हो? तभी उसे महसूस हुआ कि पिंजरा खाली था। नहीं, वे परी को भी ले गए हैं। डंकोव, डंकोव, उन्हें पकड़ो। भले ही डंकोव उनके पीछे भाग रहा था, लेकिन उसके लिए उन्हें पकड़ना संभव नहीं था।
इस बीच स्नो वाइट और सिली बौना प्रेगो पर परी के साथ बैठे और गुफा से दूर जाने लगे। नहीं नहीं, हम फिर से ऐसा नहीं कर सकते, हम फिर हार गए। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मुझे होना चाहिए। स्नो वाइट ने अपने घोड़े पैगो को पेड़ों के बीच रोक दिया। अब तुम आजाद हो लकड़ी की परी, उड़ो और हमारे पूनम के चांद को रोशनी से भर दो। राजकुमारी ने लकड़ी की परी को अपनी हथेली से आकाश में उड़ा दिया। जैसे ही परी ने अपने पंख फड़फड़ाए, तारे फिर से चमकने लगे और फिर पूनम के चांद ने अंधेरी रात को अपनी रोशनी से उजाले से भर दिया। देखो आसमान फिर से चमक रहा है, चलो वापस अपने महल चलें। तो अब मैं अपनी टॉर्च बंद कर लेता हूँ मेरी राजकुमारी। जब स्नो वाइट और सिली बौना बाकी बौने दोस्तों और राजकुमार के साथ महल में पहुँचे, तो उन्होंने आकाश में तारों को देखकर इच्छाएं मांगी। आखिरकार दयालु लोगों की इच्छाएं आज नहीं तो कल सच हो ही जाती हैं।